प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाई गई भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत संपूर्ण देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इसी के तहत अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भी जनऔषधि कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें मुख्य अतिथि सांसद भागीरथ चौधरी ने शिरकत की। इस दौरान सांसद चौधरी ने प्रदेश सरकार पर अपनी उपेक्षा का भी आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। कार्यक्रम में सांसद चौधरी ने कहा कि इन केंद्रों पर गरीब जनता को सस्ती दवाएं मुहैया नहीं हो रही है। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल वीबी सिंह, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि दिवस पर आज माननीय प्रधानमंत्री देश भर में 600 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन करने वाले हैं। इस उद्घाटन के अवसर पर आज जो हमारा जन औषधि केंद्र है उस पर यह कार्यक्रम रखा गया है। जन औषधि केंद्र जो जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में कार्यरत है उस पर महीने बिकने वाली दवाइयों की संख्या बहुत कम है, इसलिए ये संख्या कैसे बढ़े। प्रधानमंत्री जन जो औषधि केंद्र है, भारतीय औषधि केंद्र है, उसका आज दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जो आम जनता है, चाहे गरीब है, चाहे मध्यम वर्ग है, चाहे कोई वर्ग है, उनको सस्ते दामों पे और अच्छी क्वालिटी की जेनेटिक दवाएं मिलनी चाहिए, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए।